भाइयों बहनों, आज हर एक क्षेत्र में हमारा देश एक नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है। जीवन का वह कोई भी क्षेत्र हो, भारत को वैश्विक मंच पर एक नई प्रतिष्ठा दिलाने का कार्य हो, भारत की प्रगति और समृद्धि का मामला हो, भारत की बाह्य और आंतरिक सुरक्षा का मामला हो, या फिर भारत के अंदर बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं का लाभ गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं और समाज के प्रत्येक तबके तक पहुंचाने के लिए किए जाने वाले प्रयास, आज वह ईमानदारी के साथ जमीनी धरातल पर उतरते हुए दिखाई देते हैं। कोरोना महामारी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। कोरोना के सामने अमेरिका पस्त हो गया, कोरोना के सामने यूरोप पस्त हो गया, कोरोना के सामने दुनिया के तमाम देश पस्त हो गए, लेकिन भारत बिना रुके और बिना डिगे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कोरोना के खिलाफ अपनी लड़ाई को जारी रखे रहा, जीवन भी और जीविका को भी बचाने का काम किया। फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में राशन और फ्री में टीका देने का काम भी भारत के अंदर इस दौरान हुआ। हमने तकनीक का उपयोग करते हुए हर एक स्तर पर तकनीक को बेहतर रूप से आगे बढ़ाने का काम भी किया, और उसका परिणाम क्या था कि तकनीक के माध्यम से जीवन में शासन की योजनाओं का लाभ प्रदान करके उन्हें स्वावलंबन की ओर अग्रसर करने के लिए जो कार्यक्रम हुए, आपने देखा होगा डीबीटी के माध्यम से करोड़ों लोगों तक पैसा जा रहा था, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का हो या फिर राज्य शासन के स्तर पर भरण पोषण भत्ते का हो। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत हर उस लाभार्थी परिवार तक डीबीटी का पैसा उपलब्ध कराने का कार्य हो, या फिर शासन की किसी भी अन्य योजना का लाभ लाभार्थी परिवारों तक उपलब्ध करवाने का कार्य इस सफलतापूर्वक सरकार ने इस दौरान किया। और इसीलिए तो तकनीक के इसी महत्व को समझते हुए सरकार ने कुछ निर्णय लिए हैं।